गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा है उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन, क्या है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमने देखिए, यहाँ से हम इस पॉइंट से कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन ऑफ कुक्ड फूड, है ना, मतलब पके हुए भोजन को हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यहाँ से हम इसको समझ रहे हैं। इसमें दिया है, वी शुड ऑलवेज कीप द कुक्ड फूड इन कवर्ड यूटेंसिल्स, अनकवर्ड फूड गैदर्स जर्म्स एंड कॉजेस डिजीज। हमें हमारे पके हुए भोजन को जो बनाया जाता है, भोजन जो पकाया जाता है, उस भोजन को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। देखिए, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया ना, टेबल पे देखिए इतने सारे भोजन के आइटम रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई है कि क्या क्या चीज़ें बनी है, लेकिन उन सबको देखिए एक नेट से, एक जाली से, किसी से कवर कर रखा है पूरा, है ना, कवर कर रखा है ताकि जर्म्स वगैरह उस पर अटैक ना कर सके, फाइन। नेक्स्ट यह है, हाफ कुक्ड फूड इज डिफिकल्ट टू चू एंड डाइजेस्ट, जर्म्स में नॉट गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इन इट, फूड कुक शुड बी कुक्ड एट ए प्रॉपर टेम्परेचर फॉर ए सफिशियंट टाइम सो दैट इज बिकॉज बिकम सॉफ्ट, ईजी टू डाइजेस्ट एंड जर्म्स फ्री। देखिए बच्चों, एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान दिलाने लायक है कि जब भी हम खाना पकाते हैं, जब हमारी मदर वगैरह खाना पकाती है बच्चों, तो ये चीज़ वो भी ध्यान रखती होंगी कि खाने को पूरी तरह से पकाते हो, है ना, भोजन जैसे सब्जी पका रही हैं तो वो उसको प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर टाइम से, है ना, जितना उसमें टाइम लगना चाहिए उस सब्जी को पकने में, है ना, तो उसे पूरी तरह से पकाती होंगी, है ना। इसी तरह से चपातियाँ वगैरह सेकते हैं तो उसको पूरा पकाते हैं, है ना, पूरे अच्छे से सेकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये कहा जाता है कि अगर आपने आधा पका हुआ भोजन बनाया है, जैसे भोजन को आधा कच्चा रखा है, कुक को पूरी तरह से पकाया नहीं है, आपने उसको कुक्ड नहीं किया है, उसको हाफ कुक्ड किया है ना, कच्चा रखा है, उसको आधा पकाया है, तो ऐसा भोजन क्या होता है बच्चों, वो जल्दी से जम्स, उसमें जम्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते, है ना, उसमें कुछ जम्स रह जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ समय बाद वो भोजन स्पॉइल हो जाता है, वो फूड स्पॉइल हो जाता है। और इसके अलावा ये जो हाफ कुक्ड फूड जो होता है बच्चों, वो हमारे डाइजेशन को भी ख़राब कर देता है, हमारे स्टमक में भी वो हार्मफुल होता है, जब हम उसे खाते हैं तो वो ढंग से, प्रॉपर ढंग से, एक तो च्यू नहीं हो पाता, हम उसको ढंग से चबा नहीं पाते, इसके अलावा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए भोजन को जब भी पकाएं तो उसे पूरी तरह से, प्रॉपर टाइम से, जितना उसमें टाइम लगना चाहिए, और अच्छे ढंग से उसको पूरी तरह से पकाएं, फाइन। नेक्स्ट ये, इफ कुक्ड फूड इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जर्म्स ग्रो ऑन इट, लो टेम्परेचर डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीपल, देयरफॉर कुक्ड फूड विच इज लेफ्ट ओवर शुड बी कैप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग और फ्रीजिंग इट। देखिए बच्चों, जब भी पका हुआ भोजन, हमारा बना हुआ भोजन, जब भी अगर एक्स्ट्रा बनता है और जब बच जाता है, वो यूज में लेने के बाद जो बच जाता है बच्चों, तो उसको कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए कि हमने उसको ऐसे ही निकाल के किचन में रख दिया, है ना, कि बच गया, एक्स्ट्रा खाना है तो हमने उसको किचन में छोड़ दिया या रूम में डाइनिंग पे छोड़ दिया, है ना बच्चों, तो कभी भी उसको लंबे समय तक इस तरह से नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि इससे रूम टेम्परेचर जो होता है बच्चों, वो हाई होता है ना, रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है, जम्स फिर से उस पर अटैक करते हैं और वो हमारा फूड स्पॉइल हो सकता है, ठीक है, लंबे समय तक उसे नहीं रखना चाहिए। और अगर हमें उसको लंबे समय तक फूड को रखना ही है, अगर हमारी कोई ऐसे मजबूरी है कि उसे हमें रखना है, तो बच्चों उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, उसको फ्रिज के अंदर रखिए, फ्रिज में टेम्परेचर लो होता है, उसमें कूलिंग रहती है, तो उसमें भोजन रखने से, फूड रखने से बच्चों, वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता, वो लंबे समय तक उसमें प्रिजर्व होके रह सकता है, है ना बच्चों, वो खराब नहीं होगा, फाइन। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए मेथड दिखा रहे हैं, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, किस तरह से फूड को आपको प्रिजर्व करना है ना, वो पका रहे हैं खाने को, देखिए लेडी जो फूड को पका रही है अच्छे से, प्रॉपर टाइमिंग से और पूरी फुल टाइम देके उसको अच्छे से पका रही है, कुक कर रही है। नेक्स्ट ये इसमें रेफ्रिजरेशन, देखिए बच्चों, फूड को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है और प्रिजर्व करके रखना है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। और ये आपने देखा होगा, सभी कॉमनली है ये, तो बच्चों कॉमन थिंग है कि सभी घरों में फ्रिज होता है, है ना, जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास बच जाती है, एक्स्ट्रा खाना हमारे पास बच जाता है, या वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, तो हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर बच्चों लो होता है और वो कूल टेम्परेचर होता है, जिससे कि अंदर जर्म्स अटैक नहीं करते और हमें लंबे समय तक हम अपना भोजन उसमें प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया इसमें, तो इसमें हम देखिए, इसमें दिए जैसे कि रॉ वेजिटेबल है, फ्रूट्स, एग्स, ब्रेड, मिल्क, चीज़, बटर, ये सारे आइटम जो आप डेली अपने घर में भी देखते होंगे, सॉस वगैरह, जो चीज़ बटर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आप फ्रिज में सेफली रख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है अपने
फूड वगैरह का जो टेम्परेचर है और जो इसका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है बच्चों, वो इस तरह से होता है ताकि इस फूड आइटम को वो ख़राब नहीं होने देता है। फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। देखिए बच्चों, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन क्या होता है? इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्व फूड स्टफ। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूव वाटर ऑन मॉइस्चर फ्रॉम द फूड। वंस द फूड इज ड्राइड टू द पॉइंट वेयर, देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे, मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, वंस द फूड इज ड्राइड टू द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ इट्स वाटर इज गोन, जर्म्स कंट्रोल ओवर ग्रो। देखिए बच्चों, ये बहुत पुराना मेथड है ड्राइंग करना और डिहाइड्रेशन करना। मतलब कुछ भोजन, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं बच्चों जिनको सुखा के रखते हैं, ये एक तरह से ओल्ड मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। पहले के टाइम में बच्चों, जबकि फ्रिज वगैरह नहीं चलते थे, है ना, जब फ्रिज की फैसिलिटी नहीं थी बच्चों समाज में, सोसाइटी में, तब वो क्या करते थे बच्चों, फूड आइटम को वो उसको बिल्कुल ड्राई करके, सूखा करके रखते थे, जिससे कि उसमें जर्म्स अटैक नहीं करते थे। वो अगर जरा भी उसमें मॉइस्चर या नमी रहती है या पानी वगैरह रहता है तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर के टच में आते हैं और एयर में जो बैक्टीरिया, फंगाई, वो जर्म्स जो इंक्लूड रहते हैं बच्चों, वो फूड को ख़राब कर देते थे। तो क्या करते थे पुराने लोग बच्चों, उसको फूड को जो कुछ ऐसे आइटम होते थे उनको बिल्कुल सूखा करके, एकदम ड्राई करके, उसका मॉइस्चर हटा के, और फिर उन्हें रखते थे, सेव करके रखते थे, है ना। इनमें जैसे कुछ आइटम्स के नाम दिए हैं इसमें, जैसे पीज, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पापड़, चिप्स वगैरह एट्सेट्रा, एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय ड्राइंग। देखिए सूखे जो आपने देखे होंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, एक तो एक तरह से ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए। इसके अलावा जैसे इसमें पीज वगैरह, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पापड़ वगैरह के जो नाम दिए, चिप्स वगैरह जो पहले बनाए जाते थे बच्चों, तो ये सब आइटम को वो किस तरह से रखते थे, बिल्कुल ड्राई ड्राई करके, और उनको एकदम से एयर टाइट बर्तन में, एयर टाइट जो अपने कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें वो ढंग से सेफली उसको रखते थे, ताकि वो लंबे समय तक रहते थे और वो ख़राब नहीं होते थे। फाइन, नेक्स्ट देखिए पैकिंग। इसमें कुछ ये जो मेथड चल रहे हैं बच्चों प्रिजर्वेशन के, इसमें नेक्स्ट मेथड है हमारा पैकिंग। पैकिंग में दिया है बच्चों, फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व इन पॉलीथिन बैग्स, जर्म्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर, एंड पॉलीथिन बैग्स डू नॉट अलाउ एनी एयर टू गेट इट, ठीक है। सो चीज़ एंड कुक मीट आर पैक्ड इन दिस वे। देखिए बच्चों, पैकिंग करना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बच्चों जो ये फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ जैसे चीज़, एक एग्जांपल इसमें दिया चीज़ है या मीट वगैरह है बच्चों, इनको ये पॉलीथीन बैग में पैक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन ऐसी चीज़ होती है बच्चों जिसमें कि एयर एंटर नहीं करती है। उसमें पॉलीथीन में अगर कोई आइटम को आपने डाल के रखा है और उसको पैक कर दिया पॉलीथीन को, तो उसमें एयर पास नहीं होती, उसमें हवा उसमें अटैक नहीं करती उस आइटम पे, उससे उससे वो सेफ रहता है। अगर उसमें एयर पास नहीं होगी बच्चों तो क्या होगा, जर्म्स अटैक नहीं कर पाएंगे, तो वो फूड लंबे समय तक प्रिजर्व करके रह सकता है। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया बच्चों कैनिंग। कैनिंग में बच्चों दिया है कि फूड इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, जिसमें कि कई ऐसे फूड आइटम, आपने देखिए इस पिक्चर में दिया है, देखिए इसमें कैन वगैरह दिए हैं, जैसे चॉकलेट्स है, सॉस वगैरह हैं, और उसमें डेयरी मिल्क वगैरह है, बिस्किट्स वगैरह हैं, देखिए बहुत से आइटम, कुकीज़ वगैरह है ना, कैन में, कैन के कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है। ये बच्चों फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लंबे समय तक रखना होता है, जैसे उनको 6 मंथ्स है या 1 ईयर है या उससे भी ज़्यादा अगर रखना है प्रिजर्व करके, तो क्या होता है फैक्ट्री में बच्चों, इन आइटम्स को अलग अलग कैनिंग साइज होते हैं, उनमें उस अकॉर्डिंग उनको उनमें फिल किया जाता है, उनमें भर दिया जाता है, उसके बाद उनको वहीं पे सील पैक कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल टाइट पैकिंग कर दी जाती है ना, एयर प्रूफ करके उसको, है ना, उसमें एयर वगैरह बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, उसमें एयर पास नहीं करने देते हैं, बिल्कुल सुखा के उनको, और उसको उनको पैक कर दिया जाता है। उससे क्या होता है बच्चों, वो लंबे समय तक सेफ रहता है, उसमें जो भी आइटम होता है, जैसे आपके चीज़ बटर वगैरह है ना, सेरेलेक वगैरह जो होता है बच्चों का आइटम, मिल्क है आप, है ना, चिप्स वगैरह है, कुकीज़ वगैरह, बिस्किट है, ये सब इस तरह से पैक करके रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, है ना। तो ये भी एक मेथड हो गया कुक को प्रिजर्व करके रखने का। फाइन, तो इस वीडियोस को बच्चों हम यहीं तक करते हैं। इसमें आपको जो 2-3 पॉइंट्स दिए हैं इनको आप पढ़िए, इनको समझिए। इसमें जो मेथड दिए हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन है, ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन, पैकिंग और कैनिंग, है ना, ये मेथड है आपके फूड को प्रिजर्व करके रखने के। फाइन, तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, आप इसको रीड कीजिए, समझिए। ओके, थैंक यू।